हाय सो आज की ट्रेडिंग के लिए मैं हूं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। अगर आपने हमारी फ्राइडे की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देखी थी तो आपको पता चला होगा कि हमने ली थी आईसीआईसीआई बैंक में ऑप्शन सेलिंग के थ्रू एक न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश ट्रेड कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस सेल करके, वो भी कवर्ड कॉल एंड कवर्ड पुट, क्योंकि मैं नहीं करता कभी भी स्टॉक्स में नेकेड ऑप्शंस सेल। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी बाद में कि वो चीज़ हमारी क्यों वर्कआउट कर सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट्स के बारे में एज अ ब्रॉड। तो अगर हम मार्केट के बारे में एज अ ब्रॉड बात करें तो लास्ट वीक निफ्टी ने करा था कंसोलिडेट विद द नेगेटिव बायस, और उसमें सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर्स रहे थे दो। सबसे पहला तो ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी वीक रही थी, ग्लोबल मार्केट्स हो गई थी थोड़ी सी वीक, एंड ग्लोबल क्यूज जब भी वीक होते हैं इंडिया को सहना पड़ता है बेसिकली उसका दुख, क्योंकि आज के ज़माने में सारी की सारी मार्केट्स एक बेसिकली एक ग्लोबल मार्केट है एंड हर कंट्री का हर कंट्री के ऊपर एक इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बाकी सारी ग्लोबल मार्केट्स कैसी मूव कर रही हैं। एंड सेकेंड, आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब रहने के कारण मार्केट पर एक डाउनवर्ड प्रेशर मेंटेन रहा था। जिस चीज़ ने मार्केट को संभाले हुआ था वो था हमारा बैंकिंग सेक्टर, एंड बैंकिंग सेक्टर के एफर्ट्स के कारण और थोड़ा सा जो सपोर्ट आया था वो आया था एफएमजीसी सेक्टर के द्वारा, खासकर आईटीसी के द्वारा। आईटीसी ने कंटिन्यूस रैली दिखाई है, वो बहुत टाइम से कंटिन्यूस रैली दिखा रहा है, लास्ट वीक भी उसने कंटिन्यूस रैली दिखाई थी जिससे भी निफ्टी को एक सपोर्ट मिला था और निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के अबव सस्टेन कर पाया था। जो भी सारे बुल्स को इस टाइम पे आशाएं हैं, जो सारी मार्केट में सारी बात चल रही है, वो चल रही है सिर्फ और सिर्फ 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में। रेयरली ही कभी किसी एक टेक्निकल सिग्नल के बारे में किसी वीक में इतनी बातें होती हैं, बट निफ्टी ने उस 200 डे मूविंग एवरेज को इतनी बार रिस्पेक्ट करा है लास्ट वीक में कि उसके बारे में एक डिस्कशन ज़रूर बनती है। मैं पर्सनली टेक्निकल्स में उतना नहीं मानता, बट क्योंकि इस बार इस टेक्निकल के बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन हुई है कि अगर बाय चांस ये बैरियर ब्रेक डाउन हो जाता है तो निफ्टी एक स्टीप फॉल में भी जा सकता है फॉर अ वाइल। हम 100 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स के डाउनफॉल को एलिमिनेट नहीं कर सकते इस बैरियर को ब्रेक डाउन होने के बाद, बट इस वीक पोजीशन चेंज होती दिख रही है। इस वीक क्योंकि इस वीकेंड पे ICICI बैंक और रिलायंस के रिजल्ट आए हैं, दोनों एक हैवी वेट हैं हमारे निफ्टी 50 के अंदर, और दोनों ने ही अपने एक्सपेक्टेशंस को मैच करा है और स्लाइटली बीट भी कर दिया है, खासकर ICICI बैंक ने। दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जिससे एक मार्केट में एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, और जो कि हमें SGX निफ्टी भी कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है, क्योंकि SGX निफ्टी भी अब थोड़ा सा स्लाइटली हमें अप दिखा रहा है कि आज की ओपनिंग थोड़ी सी अपवर्ड साइड पर रह सकती है। क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी शॉकिंग बात है, क्योंकि अगर हम देखें फ्राइडे को FIIs ने करा था 2000 करोड़ की सेलिंग, जो कि पिछले कुछ टाइम में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है FIIs द्वारा। FIIs ने इतनी लार्ज सेलिंग पिछले कुछ महीनों में नहीं करी है, तो हमें उस पॉइंट का एक ध्यान देना चाहिए। अब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर FIIs कंटिन्यू करते हैं सेल करना तो मार्केट ऊपर उठ सकता है, ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा पैसा आ सकता है, उससे मार्केट ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है। रिजल्ट्स के कारण जो पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि अब इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स उतने कम नहीं है, हम उस पॉइंट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शुरुआत के काफ़ी सालों तक मैंने हमेशा ही रिटेल इन्वेस्टर्स को नज़रअंदाज करा है कि उनको क्यों मार्केट को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट मार्केट्स में बढ़ रहा है, तो उनकी बाइंग के द्वारा मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर सकता है। बट निफ्टी में और हमारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं इंट्राडे फॉल आ सकता है अगर FIIs अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखते हैं। अगर ये ही थोड़ा दूसरे स्पेक्ट्रम में होता है और हमारे FIIs बाइंग में आ जाते हैं, जी हाँ, अगर FIIs बाइंग में आते हैं तो DIIs ज़रूर सेल करना स्टार्ट करेंगे,
बट उसमें डरने की बारी नहीं बात नहीं है, क्योंकि FIIs के पास जो नेट अमाउंट है जिससे वो ट्रेड करते हैं वो हमेशा DIIs से ज़्यादा रहे, एटलीस्ट करंट स्टेट में तो ऐसा ही है। तो जब वो सेल करते हैं तो DII से ज़्यादा सेल करते हैं जितना DIIs बाय कर पाते हैं, जब वो बाय करते हैं तो DII से ज़्यादा बाय करते हैं जितना DIIs सेल कर पाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर बात रहेगी अगर FIIs आ जाते हैं बाइंग स्प्री पे, तो हमें दिन में एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो NBFC सेक्टर क्यों ना हो, क्योंकि इन स्टॉक्स में हमारे FIIs की होल्डिंग शुरुआत से ज़्यादा रही है। एंड हम होप करते हैं कि आगे जाके FIIs की बाइंग और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अप्रैल एक ऐसा मंथ रहा है जहाँ पे काफ़ी मंथ्स के बाद FIIs अभी तक नेट पॉजिटिव में है, कि उन लोगों ने नेट बाइंग करी है रेदर देन नेट सेलिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से FIIs नेट सेलिंग की तरफ ही बढ़ रहे थे। जो मेजर क्लूज हैं इसके अलावा जो मार्केट को काफ़ी हद तक डिफाइन कर सकते हैं, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि US की मार्केट्स हैं, जो हमारा थोड़ा सा एक लेट गार्ड या फिर हमारा एक स्टैंड बाय का स्टांस रहा है पिछले 1.5 साल में, उसके पीछे काफ़ी मेजर रोल US के मार्केट्स का रहा है। और इस वीक भी US के काफ़ी मेजर डाटा पॉइंट्स आने वाले हैं, खासकर उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर GDP नंबर आने वाला है और उनका जॉबलेस क्लेम्स नंबर आने वाला है, जो कि है बहुत ही मेजर इकोनॉमिक डाटा। हमें इन दोनों डाटा पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, इस डाटा से काफ़ी हद तक डिफाइंड होगा कि वहाँ का फेड किस रफ्तार से अपने रेट हाइक करेगा, या फिर रेट हाइकिंग की स्पीड को कम करेगा या पॉज करेगा, या वो आगे उसके क्या फर्दर एक्शंस हैं, उसकी क्या कमेंट्री आती है, जिससे US मार्केट्स डिफाइन होंगी कि US मार्केट्स कैसे मूव करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं तक डिफाइंड होगा कि इंडियन मार्केट्स पे उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो उस चीज़ पे हमारा पहला ध्यान होना चाहिए। सेकंड, काफ़ी और ज़्यादा कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं इस वीक में भी, तो क्वार्टरली अर्निंग्स काफ़ी मेजर रहेंगी। अर्निंग्स, ग्लोबल क्यूज, ये दो मुझे लगता है कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स है इस वीक अगर हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड लेनी है तो। सेकंड, कुछ की पैरामीटर्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम थोड़ा सा OI एनालिसिस की तरफ बढ़ें तो हमें सबसे मेन पता चलेगा कि 17,700 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे वीकली सीरीज में भी और मंथली सीरीज में भी। वीकली सीरीज में करंट वीकली सीरीज एंड नेक्स्ट वीकली सीरीज, एंड मंथली में भी दिस मंथली सीरीज एंड नेक्स्ट मंथली सीरीज के अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, तो 17,700 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है जिसका, क्योंकि जिसके ऊपर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि ICICI बैंक और रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जैसे कि 200 डे मूविंग एवरेज अगर डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक होता तो हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिलता। अगर 17,700 to 800, क्योंकि जो लोग कॉल राइट करते हैं उनके पास कुछ प्रीमियम्स बचते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने कॉल राइटिंग के स्पॉट से थोड़ा सा अबव तक का नुकसान झेल सकते हैं। 17,700 to 17,800 का अगर हमारा जोन ब्रेक आउट होता है तो हम एक थोड़ा सा शार्प प्राइस देख सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग रैली के तौर पे निफ्टी के अंदर। अगर हम डाउनवर्ड साइड पे जाएं तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो 17,400 और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 17,500, उससे पहले कोई बहुत मेजर सपोर्ट नज़र नहीं आता है मार्केट के अंदर। तो हमें इन दो की पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ये दो की पॉइंट्स हैं जो टेक्निकली इस टाइम पे बहुत एक स्टिफ है, स्टिफ रेजिस्टेंस एंड स्टिफ सपोर्ट है, जो निफ्टी को कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मोशन में साधे हुए हैं। उस मोशन से ब्रेक डाउन करना, उस रेंज से ब्रेकआउट करना निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो चुका है। एंड खासकर जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग रैली या फिर हमारा शार्प डाउनफॉल जो हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान देखना चाहिए कि विक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो है। विक्स के लो होने के कारण जहाँ भी एक शार्प मूव आया, ऑप्शन राइटर्स जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण इन तरीके की मार्केट मूवमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ट्रेड इज़ ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर प्रोबेबिलिटीज़। आप सर्टेनिटी के साथ तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो एटलीस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ अपने साथ रखिए। ICICI बैंक में मेरी आज वो ट्रेड कैसी जाती है मैं आज देखूंगा। आज के दिन में मैं कुछ ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी फिगर आउट करूँगा। सी, ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में
आपका जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी स्पीडली चेंज करती है। तो एग्जैक्ट डिटेल्स तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ऑप्शन बाइंग में स्पेसिफिकली स्टॉक ऑप्शन बाइंग सोच रहा हूँ उनकी, जिनकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इस टाइम पे कंपेरेटिव टू देयर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कम चल रही है, उनमें ही। और ट्राई करूँगा कि जितने ही मैं पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ उतने ही कॉल ऑप्शन सेल करूँ इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, एक स्क्रिप्ट में नहीं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में, ताकि अगर कोई मेजर इकोनॉमिक ब्लो आता है पूरी की पूरी मार्केट में तो उससे एटलीस्ट मेरे ऑप्शन की पोजीशंस थोड़ी सी हेज्ड रहे। जो ग्लोबल जो ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं तो हमेशा मैं इस टाइप की स्ट्रेटेजी रखना प्रेफर रखता हूँ या प्रेफर करता हूँ। आज की मार्केट में बस इतना ही था। अपने रिजल्ट्स पे, क्वार्टरली अर्निंग्स पर ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक डाटा पे ध्यान दीजिए, आईसीआईसी का और रिलायंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं उनके ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान आपका होना चाहिए। अब आगे आप क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक को तो मैं ऑलरेडी उसमें लॉन्ग हुई हूँ उसके बारे में तो आपको पता ही है, एंड एचडीएफसी के बारे में भी कुछ और मेजर अपडेट्स हैं उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के लिए। दैट इज़ नॉट ट्रेड वर्दी न्यूज़ अदरवाइज मैं आपको ज़रूर बताता प्री मार्केट न्यूज़ में, बट एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम उसके बारे में भी बात करने लग जाएंगे, तो मे बी ना पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। एंड स्टे ट्यून रहिए चैनल के लिए, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।